अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं आमिर टीवी। दोस्तों, यूं तो दुनिया में बहुत ज़्यादा अलूम मौजूद हैं और इन अलूम में कुछ काले अलूम भी हैं जिसे शैतानी अलूम कहते हैं। शैतानी अलूम के अलावा बाकी अलूम जो इंसान को फ़ायदा पहुँचाते हैं और बाज़ अवक़ात नुकसान भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं काले इल्म की, यानी काले जादू की। काला जादू आज से नहीं हो रहा, बल्कि ये कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। काले जादू करने वाले जो लोग होते हैं वो दिन रात शैतान की पूजा करते हैं और वो ऐसे काम करते हैं जिनसे शैतान उन पर राज़ी हो जाता है। मसलन वो औरत के साथ जिन्हा करते हैं, अपनी माँ बहन के साथ जिन्हा करते हैं और औरत के हैज़ के साथ नऊज़ बिल्लाह कुरानी आयात लिखते हैं और अपनी गंदगी खाते हैं और हर वो काम करते हैं जिनसे शैतान राज़ी होता है। फिर वो शैतान के जो छोटे चेले होते हैं, छोटे शैतान होते हैं जिन्नात, वो उनको ग़ुलाम बना देता है और वो हर उस जादूगर का जायज़ नाजायज़ काम करता है जिसका वो हुक्म देता है। बाज़ जादूगर जब जिन्नात को ताबे करने के लिए कब्रिस्तान, जंगलात या वीरानों में जाते हैं, जब चिल्ला कशी करते हैं तो बाज़ जिन्नात उनको डराने की पूरी कोशिश करते हैं। वो मुख्तलिफ़ अशकाल में आ जाते हैं। अगर जादूगर डर गया तो वो रजत का शिकार हो जाता है या वो जिन्नात उसको मार देते हैं, और जो नहीं डरता तो जिन्नात उसके ग़ुलाम हो जाते हैं। और अगर इन जादूगरों की तारीख़ देखें, जो शैतान के सबसे बड़े जादूगर थे और शैतान की पूजा करने वाले थे, वो इंसानियत की रेड लाइन क्रॉस कर गए थे और इनके पास शैतान की इतनी ताकत थी कि वो गायब भी हो सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, वो चोरी कर सकते थे, वो किसी को कत्ल भी कर सकते थे। और ये लोग पैसों की लालच में आकर लोगों के जायज़ काम करते और नाजायज़ काम भी करते और ये अपनी आखरत बर्बाद करते। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा।